देश भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आम जनता से लेकर कई सेलिब्रिटीज इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान देखा जाए तो सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम भी जारी है। इस दौरान सेलिब्रिटीज अपने फैंस को जागरूक कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और मदद के लिए हाथ आगे करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो फेवरेट सेलिब्रिटीज को लेकर बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान के भाई फेमस एक्टर अरबाज खान पहुंचे हैं क्लिनिक। आखिरकार क्लिनिक क्यों पहुंचे हैं अरबाज खान, बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी की दूसरी कहर को देखते हुए वैक्सीनेशन भी तेजी से होता जा रहा है। आम लोगों के साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अब तक कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं तो वहीं दूसरा डोज भी ले चुके हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है अब बॉलीवुड की दबंग खान सलमान खान के भाई अरबाज खान का। दरअसल अरबाज खान भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे और कोरोना वैक्सीन का डोज ले चुके हैं। अरबाज ने शेयर किया है इंस्टाग्राम पर वीडियो और इस वीडियो में अरबाज का एक्साइटेड नजर आ रही हैं। इस वीडियो में अरबाज खान ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ऑरेंज कलर की ट्रैक पैंट पहन रखी है और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के लिए पहुंचे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। वेल, यहां पर अरबाज खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन भी दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और उनके इस पोस्ट को लाइक भी कर रहे हैं। वेल, जैसे अरबाज पहुंचे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अब अर्पिता ने कोरोना को मात दे दी है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।